अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है किरण मतला और आप देख रहे हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ी, कि मोनोसेकेराइड्स भी पढ़ा, ओलिगोसेकेराइड्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स वो पढ़ा, लेकिन अब जो है ना फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो जो तीन मेजर फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के वो आपको बताऊंगा। तो वो तीन फंक्शन कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करता है। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल, यानी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, बनाते है, उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। तो पहले पढ़ते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ये पढ़ा कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी फराहम करते हैं। तो यहाँ पर इसके एक फंक्शन भी है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक डाउन, जब ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन की दरमियान जो बॉन्ड है जब वो ब्रेक डाउन होता है यानी टूटता है, तो उससे क्या होता है, रिलीज एनर्जी। तो ये हमें एनर्जी देता है, और ये एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होती है, सेल के जो वेरिएशन फंक्शन है, काम है, उसमें जो है ये एनर्जी काम आती है। तो दोस्तों, ये हमें कितनी एनर्जी देता है, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम शुगर है हमारे पास, तो ये तकरीबन हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है जब वो टूट जाते हैं यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और सेल्स में जो सेल्स है हमारे फोलिए उसमें काम आती है। और इसके अलावा जब 1 ग्राम शुगर है सही है, वो हमें कितनी एनर्जी देते हैं, तकरीबन 4 किलो कैलोरीज। तो दूसरा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, ये पॉइंट जो है ना, हमने पॉलीसेकेराइड्स में पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड्स क्या करता है कि जो स्मॉल यूनिट्स है जैसे कि ग्लूकोज हो गए उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी एक फंक्शन ये है, मेजर फंक्शन के लिए जो है मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, स्मॉल यूनिट्स को कौन से, किसको स्टोर करता है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स में ये किस तरह ग्लूकोज को स्टोर करता है, किस फॉर्म में ये ग्लूकोज को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लूकोज में ये प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में किस फॉर्म में से स्टोर होते हैं ग्लूकोज को, ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ये स्टोर करते हैं ग्लूकोज को, यानी स्मॉल यूनिट जो हो गए मोनोमर्स के, तो मोनोमर्स हो गए ये प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब एनिमल में देखते हैं कि एनिमल में ये जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में जो है ना सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। तो एनिमल में देखते हैं, एनिमल में
तो इनमें में ये जो मॉलिक्यूल है स्टोर करता है, जो मोनोमर है, जो ग्लूकोज की यूनिट है उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। और ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में कहां पर पाया जाता है, जो जिगर हो गया, पट्टे हो गए, वहां पर क्या है ये ना ये पाया जाता है और हमें क्या करता है एनर्जी देता है। तो दोस्तों जो दूसरा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मुराद है कि जो स्मॉल यूनिट्स है मोनोमर है उसको क्या करता है स्टोर करता है प्लांट्स में, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सेव करता स्टोर करता है, जबकि एनिमल में ये ग्लाइकोजन की शक्ल में क्या होता है स्टोर होता है। तो इससे जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स है जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो पॉलीसेकेराइड्स इसमें जो है ना अहम किरदार अदा करता है। पॉलीसेकेराइड्स है ये एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल है फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज हो गया, ये मेन कंपोनेंट है। क्या है मेन कंपोनेंट? सेल वॉल। दूसरे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इसको कोई कैचिंग पड़ता है कोई स्टिचिंग पड़ता है आप जिस तरह चाहे इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो है मेन कंपोनेंट है किसको बनाने में एक किरदार अदा करता है एक्सोस्केलेटन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।